Tito, 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 Facito, Facito. दो धारे के जो आरोपी लगा है ना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, ये ज़रूरी था। लेकिन मैं, हम लोग बहुत दुखी है जो ये बहुत लेट हुआ। बट क्यों लेट हुआ? इतना लेट होना ज़रूरी नहीं था, तो हम ऐसा समझते हैं, जनता ऐसे समझता है। बट अभी जो सुशांत सिंह के लिए हमको मेन न्याय चाहिए, सुशांत सिंह को हमें जस्टिस चाहिए, सुशांत सिंह को जस्टिस चाहिए, मेन जस्टिस चाहिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। आपके पास ऑप्शन है तो आप लोग यूज़ करो, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं। जनता के पास सुशांत सिंह को जस्टिस चाहिए। आज की तारीख में सुशांत सिंह के लिए सब आवाज़ उठा रहे हैं, सबके सब, सब घर में। देखो, ये हर घर के लिए, एक घर की तो फैमिली मेंबर्स नहीं, इतने सारे मेंबर्स, एक फैमिली मेंबर्स नहीं, हम लोग सब अलग अलग घर से, सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं सुशांत सिंह के लिए, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूँगी, बहुत जगह पे मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसे लोग कह रहे हैं जो आप अपने खुद के प्रमोशन करने के लिए आप लोग मीडिया के सामने आते हो, खुद के बढ़ावा करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए मीडिया के सामने आते हो। मैं बोलूँगी, भगवान ने दो कान दिया है सबको, एक कान से सुनो या दूसरे कान से निकाल दो ये चीज़। बिकॉज आज दिल्ली में जो चीज़ हो रही, इतने सारे लोगों को प्रमोशन चाहिए, आपको लगता है प्रमोशन के लिए लोग बाहर आए, रस्ते पर उतर गए, खाना नहीं खाएंगे 3 दिन से प्रमोशन के लिए? कौन बोलते हैं सब बातें? जो बोलता है वो आवाज़ बंद करने के लिए बोल रहा है, दूसरों को, हमारे सबकी आवाज़ बंद करने के लिए वो बात कर रहा है। तो बिल्कुल वो बात मैं वापस बोलूँगी, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो वो चीज़। बिल्कुल वो नहीं सुना है, आवाज़ उठानी। आज जो भी आवाज़ नहीं उठाए, वो लोग घर घर पे बैठे आवाज़ उठाओ। बाहर नहीं आना चाहते हो, डरते हो, लेकिन घर पे बैठे आवाज़ उठाओ, लेकिन आवाज़ उठाओ। नहीं तो कल और एक सुशांत का डेथ होगा, परसों और एक दिशा सालियन का डेथ होगा, हर गली में, हर मोहल्ला में होएगा। क्या करेंगे तभी? तभी भी चुप रहेंगे? तब मुँह बंद करके रहेंगे? क्या करेंगे? कितने मुंह बंद करके रहोगे? तब क्या करोगे? आपके घर पे अगर हो जाए तो क्या करोगे? तब बोलोगे हमको बाहर नहीं आना है, हमें बोलना नहीं है, हमको प्रमोशन नहीं करना है, ये सब बोलोगे? नहीं चलेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैम, ये भी आना चाहूँगा कि रिपब्लिक इंडिया, खासकर देखा जाए अर्नब जो है, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। अरे बाप, आज रिपब्लिक ही वहाँ पे जंतर मंतर में टीम के साथ है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, किस तरह से देखते हैं? रिपब्लिक भारत को तो सबसे पहले धन्यवाद करूँगे। रिपब्लिक भारत जिंदाबाद, रिपब्लिक भारत जिंदाबाद, रिपब्लिक भारत जिंदाबाद। रिपब्लिक भारत के लिए तो हम हमेशा, मतलब, भगवान को शुक्र मानूं, किसको शुक्र मानूं, मुझे समझ में नहीं आता अर्नब जी के लिए, क्योंकि वो एक मतलब ऊपर वाला ने उनको शक्ति दिया, शिव जी ने उनको शक्ति दिया, मुझे भी नहीं पता, मैं भी सोच के बहुत सोचा मैंने, मुझे समझ भी नहीं आया। उन्होंने जो जिस तरीके से आवाज़ उठाया, बहुत अच्छे से आवाज़ उठाया, जिस वजह से हमको खुलासा हो रहा है, हम थोड़ा सांस ले रहे। पहले तो जब ही सुना हमने ये सब चीज़ चल रहा था, हम डर गए सब लोग, हमको मतलब समझ में नहीं आ, हम घर से निकले ना निकले, क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने, रिपब्लिक भारत अर्नब जी ने जो किया, इतने अच्छे काम आज तक कोई मीडिया ने नहीं किया, आज तक कोई भी। मैंने इतने साल से हूँ, मैं एक इवेंट कंपनी चला रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा जो रिपब्लिक भारत अर्नब जितने अच्छे से काम कर रहे हैं, उतना अच्छा काम कोई भी मीडिया ने किया। सारे मीडिया को मैं डेफिनेटली तारीफ करूँगी, सब मीडिया मेहनत करते हैं, लेकिन अर्नब जी का आवाज़ में सच्चाई है। अर्नब जी ने जो आवाज़ उठाई उसमें सच्चाई है, सच्चाई के बुलंद पे वो चल रहा है, और हमें बिल्कुल 100% और 200% भरोसा है उन पे। CBI के ऊपर भी मुझे भरोसा है, जो लोग नए तक पहुंचा के ही रहेंगे, बेसिकली अर्नब जी तो पहुंचा के ही रहेंगे हमको, हमें बहुत भरोसा है उनके ऊपर। फाइनली बताइए, आप क्या जस्टिस चाहती हैं, अपनी तरफ से क्या चाहती हैं, जो आरोपी है उनके लिए क्या होना चाहिए? 302 जो है
आरोपी के लिए तो मैं बोलूँगी अभी कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 302 का तो धारा मुझे इतना समझ में आ रहा है, 302 धारा, 302 धारा, 302, 302, फांसी दो, फांसी दो, 302, 302, 302, 302, 302, 302, 302, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, 302, 302, 302, 302, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, 302, 302, 302, 302, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, यही बोलना चाहेंगे, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, आज भी वो भी एक माँ का बेटा है, भले उसकी माँ नहीं है लेकिन उसको जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दुखी हुआ था, बहुत अच्छा एक्टर है वो, काफ़ी अच्छा और कर सकता था इंडस्ट्री में, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ उसके साथ। खान से तो बहुत अच्छा था, जस्टिस फॉर सुशांत तो होना ही चाहिए, सुशांत बहुत अच्छा एक्टर था, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, ये क्या था क्या नहीं ये मालूम नहीं, बस हमको इंसाफ चाहिए सुशांत के लिए, और 302 तो लगना ही चाहिए, और जो दोषी है उनको फांसी मिलना चाहिए। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दाग है क्योंकि इस तरह की घटना, हाँ वो तो है, क्योंकि वो सब जो ग्रुप चल रहा है अभी वो सब खत्म होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए, जो लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं कि जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे नए जनरेशन को, और जो बाहर से जो आते हैं उनको क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे, क्या टीम है ये, क्या ग्रुप चल रहा है लोग का। जस्टिस मिला तो देयर विल बी डिफरेंस इन फ्यूचर, सो वी वांट जस्टिस। फांसी सजा होनी चाहिए, जस्टिस फॉर सुशांत, उसको जस्टिस मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा टैलेंटेड बंदा था, जबकि हम लोग उसका कोई मूवी नहीं देखे, जब उस मतलब ऐसे हुआ उसके बाद उसको देख के बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे टैलेंटेड बंदे को भी कोई ऐसे कर सकता है। जो लोगों ने गलत किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। शुभ गांधी बर्थडे, जस्ट वी वांट जस्टिस एंड नथिंग एल्स, फर्स्ट एंड लास्ट जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। 302, 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 302